لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत करने के लिए मुकर्रर किया गया था वही है जो मक्के में है, बाबरकत और जहान वालों के लिए मूजिबे हिदायत। इसमें खुली हुई निशानियां हैं जिनमें से एक इब्राहिम के खड़े होने की जगह है। जो शख्स इस मुबारक घर में दाखिल हुआ उसने अमन पा लिया और लोगों पर अल्लाह का हक यानी फर्ज है कि जो इस घर तक जाने का मकदूर रखे वो इसका हज करे और जो इस हुक्म की तामील न करेगा तो अल्लाह भी अहले आलम से बेनियाज है। और जब हमने खाना काबा को लोगों के लिए जमा होने और अमन पाने की जगह मुकर्रर किया और हुक्म दिया कि जिस मकाम पर इब्राहिम खड़े होते थे उसको नमाज की जगह बना लो और इब्राहिम और इस्माइल को हुक्म भेजा कि तवाफ करने वालों और एतिकाफ करने वालों और रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को पाक साफ रखा करो। बेशक कोहे सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। तो जो शख्स खाने काबा का हज या उम्रा करे उस पर कुछ गुना नहीं कि दोनों के दरमियान चक्कर लगाए, बल्कि ये एक नेक काम है और जो कोई नेक काम करे तो अल्लाह कदरदान है दाना है। और अल्लाह की खुशनूदी के लिए हज और उम्रे को पूरा करो और अगर रास्ते में रोक लिए जाओ तो जैसी कुर्बानी मुयस्सर हो कर दो और जब तक कुर्बानी अपने मुकाम पर न पहुंच जाए सर न मुड़ाओ। और अगर कोई तुम में बीमार हो या उसके सर में किसी तरह की तकलीफ हो तो अगर वो सर मुंडा ले तो उसके बदले रोजे रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। फिर जब तकलीफ दूर होकर तुम मुतमईन हो जाओ तो जो तुम में हज के वक्त तक उम्रे से फायदा उठाना चाहे वो जैसी कुर्बानी मुयस्सर हो करे और जिसको कुर्बानी न मिले वो 3 रोजे अय्याम हज में रखे और 7 जब वापस हो, ये पूरे 10 हुए। ये हुक्म उस शख्स के लिए है जिसके अहलो आयाल मक्के में न रहते हो और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। हज के महीने मुअय्यन हैं जो मालूम हैं, तो जो शख्स इन महीनों में हज की नियत कर ले तो हज के दिनों में न औरतों से इख्तिलात करे न कोई बुरा काम करे और न किसी से झगड़े और जो नेक काम तुम करोगे वो अल्लाह को मालूम हो जाएगा। और ज़ादे राह यानी रस्ते का खर्च साथ ले जाओ क्योंकि बेहतरीन ज़ादे राह परहेजगारी है। और ऐ अहले अक्ल मुझी से डरते रहो, इसका तुम्हें कुछ गुना नहीं कि हज के दिनों में बजरिया तिजारत अपने परवरदिगार से रोजी तलब करो। और जब अराफात से वापस होने लगो तो मशरे हराम यानी मुजदलिफा में अल्लाह का जिक्र करो और उस तरह जिक्र करो जिस तरह उसने तुमको सिखाया और इससे पेशतर तुम लोग इन तरीकों से महज नावाकिफ थे। फिर जहां से और लोग वापस हों वहीं से तुम भी वापस हो और अल्लाह से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है रहमत करने वाला है। फिर जब हज के तमाम अरकान पूरे कर चुको तो मिना में अल्लाह को याद करो जिस तरह अपने बाप दादा को याद किया करते थे, बल्कि उससे भी ज्यादा।